टोनी स्टार्क का सबसे पुराना एआई, जिसे नेचुरल लैंग्वेज यूजर इंटरफेस भी कहा जाता है, वो था जार्विस। लेकिन एज ऑफ अल्ट्रॉन में जार्विस की जगह फ्राइडे ने ले ली और तब से लेकर एंडगेम तक फ्राइडे ने टोनी का साथ निभाया। लेकिन क्या तुमको पता है टोनी के पास फ्राइडे के अलावा जोकोस्ता और टराशी के नाम से दो और यूजर इंटरफेस अवेलेबल थे, लेकिन फिर भी उसने फ्राइडे को ही क्यों चुना? इसका रीजन थोड़ा इमोशनल है। सिविल वॉर में दिखाया गया था कि टोनी स्टार्क के फादर हॉवर्ड स्टार्क की मौत दिसंबर 17, 1991 को हुआ था और वो दिन था फ्राइडे यानी शुक्रवार। चूंकि जार्विस भी हॉवर्ड स्टार्क के लिए काम करता था तो इसलिए टोनी स्टार्क ने फ्राइडे को चुना, ताकि एक तरह से उसके फादर की यादें उसके साथ जुड़ी रहे। वैसे फ्राइडे का फुल फॉर्म है फीमेल रिप्लेसमेंट इंटेलिजेंट डिजिटल असिस्टेंट यूथ।